दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं चुकंदर पुडिंग की रेसिपी लेकर आई हूँ। यह स्वादिष्ट या स्वीट डिश है। जब कभी मीठा खाने का मन करे बना कर खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं पुडिंग। तो हमारे पास है ये चुकंदर, इसको आप किसके नाम से जानते हैं? मैं दो नाम से जानती हूँ, बीटरूट और चुकंदर। तो आप जिस नाम से जानते हैं उस नाम से आप खरीद सकते हैं। और मैं इसका जो है आज पुडिंग बनाऊंगी। तो मैं इसको पहले मिट्टी में होता है तो इसको मैं अच्छे से धो ली हूँ। इसका मिट्टी साफ हो चुका है। अब इसका हम पहले छिलका उतारेंगे। छिलका उतार के इसको आप या तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और या तो कद्दूकस कर लीजिए, फिर उसके आगे हम का काम करेंगे। तो हमने चुकंदर को कद्दूकस करके रख लिया है। आप चाहे छोटे छोटे टुकड़ों में करिए, लेकिन हमें इसको ग्राइंड करना है। उस हिसाब से आप अगर कद्दूकस कर लेंगे तो आपको पीसने में बहुत आसानी होगी। तो मैं एक मिक्सी का जाल ले ली हूँ, अब इसी में मैं अपना चुकंदर डालूंगी। जार थोड़ा बड़ा ही लीजिए, बड़ा वाला, ताकि हमें पीसने में बहुत आसानी हो। तो मैं चुकंदर डाल चुकी हूँ। अब इसमें आप चीनी डाल लीजिए, लेकिन चीनी को डालते हुए ध्यान ये देना है चुकंदर मीठा होता है। उस मीठे के अनुसार आप अपना जितना मीठा पसंद करते हो उतना डालिए आप। तो मैं जो है पांच चम्मच डाली हूँ अपना मीठे के अनुसार। आप जितना मीठा खाते हो उस अनुसार डालिए। और इसमें अब हमें एक चीज और डालना है, ये हमारा पिसेगा नहीं, तो इसमें हमें थोड़ा दूध भी डालना है। दूध तो पुडिंग में पड़ता ही है, तो दूध हम आपको बताएंगे नहीं कितना पड़ेगा, क्योंकि इसको पीसना है। अगर हमें जरूरत पड़ा तो और हम डाल के दूध पीसेंगे। तो इसको हम पहले ग्राइंड कर लेते हैं। अब मैं दिखा रही हूँ अपना चुकंदर जो है मैं ग्राइंड कर ली हूँ। ऐसे हमें बारीक पीसना है, दूध के साथ ही पीसना है, पानी में नहीं। तो इसको मैं पहले कढ़ाई ले लेती हूँ और इसी में मैं डाल लेती हूँ। तो मैं सारा पेस्ट जो है कढ़ाई में चुकंदर का डाल चुकी हूँ। अब इसको मैं यही छोड़ देती हूँ। अब मैं एक काम और कर लेती हूँ। मुझे चाहिए कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैं इसी चम्मच से भर भर के तीन चम्मच ली हूँ, क्योंकि चुकंदर हमारा छोटा था तो हमें कॉर्नफ्लोर कम लगेगा। अगर आप और बड़े में बनाएंगे उस हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसको हम घोल कैसे बनाएंगे? दूध में ही बनाएंगे। तो मेरे पास इतना दूध है, पहले मैं इतना डाल लेती हूँ। अगर और जरूरत पड़ेगा तो मैं और लूंगी। अब इसी में पहले मैं घोलूंगी इसको। तो हमें थोड़ा सा दूध और चाहिए, तो मैं ये कलछी ली हूँ, इसी से बस इतना ही दूध हमें चाहिए। अब इसका अच्छा सा हम ऐसे चलाते हुए घोल बना लेंगे। अब मैं दिखा रही हूँ हमारा घोल अच्छे से बन गया है, इसमें गिठलियां नहीं है, ऐसे एकदम बनाना है इसी तरह। तो अब मैं चलती हूँ गैस की तरफ। तो अब मैं कढ़ाई में रख के अपना इंडक्शन ऑन भी कर दी हूँ और इसको ऐसे हम चलाते हुए एक बॉयल आने देंगे। चुकंदर के एक फायदे ये हैं, अगर आपके आपको खून की कमी हो तो चुकंदर का जूस पीजिए या सलाद खाइए, कुछ भी करके चुकंदर जरूर अपने सेहत के लिए यूज करिए, खाइए आप। इससे चेहरे में ग्लो भी आता है, खून भी बढ़ता है, चेहरे में आप इसका लेप भी लगा सकते हैं, दही और बेसन के साथ चुकंदर का पेस्ट बना के लगा सकते हैं। इसके बहुत फायदे हैं। और आज मैं स्वीट तो बना के दिखा रही हूँ, आप पुडिंग भी बना खाइए, सारे मिठाइयाँ भूल जाएंगे, आप पुडिंग ही बना बना के खाएंगे। अब हमारा लिक्विड जो है पकने लगा है, अब इसी समय हमें
अपना जो कॉर्नफ्लावर का मैं घोल बनाई थी इसको एक बार चला लीजिए, क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। और अब इसे हम डाल के चलाते जाएंगे। अभी इसको, अब आपको हाथ नहीं रोकना है और चलाते जाना है। इसको डालने से ही देखिए गाढ़ापन आने लगा। अब हमें अच्छे से इसको पकाना है। हमारा गाढ़ा हो चुका है मिश्रण, अभी थोड़ा सा मैं और चलाऊंगी। हाँ, अगर आपको इलायची का अच्छा लगता हो तो इलायची डालिए, नहीं तो कोई एसेंस भी डाल सकते हैं आप इसमें। तो मैं इसको पकाते हुए गाढ़ा कर चुकी हूँ, बस थोड़ा सा और पकाऊंगी। तो अब हम दिखा रहे हैं कि हमारा पुडिंग अच्छे से जमने के लिए तैयार हो गया है। आपको मैं कैमरे में दिखा रही हूँ, बस ऐसे ही हमें गिरते हुए चाहिए। अब ये अच्छे से हमारा पुडिंग जम जाएगा। तो अब मैं अपना इंडक्शन बंद कर देती हूँ और इसको हम अब बर्तन में निकालेंगे। तो अब हमारा पुडिंग पूरी तरह तैयार हो गया है। मैं आज दिखा रही हूँ, दो बर्तन ली हूँ। तो आप चाहे ऐसे छोटी छोटी कटोरियों में छोटा छोटा बनाइए पुडिंग, और या तो एक बनाइए बड़े बर्तन में। तो इसमें पहले आप ग्रीस कर लीजिए, हल्का सा घी लगा लीजिए या कोई तेल लगा लीजिए जो आपके पास हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ पहले छोटे में डाल के। गरम है, बहुत संभाल के आपको डालना है। इस तरह उठाइए और इसमें डाल दीजिए। तो मैं पहले वाले कटोरी में डाल चुकी हूँ और सारा मिश्रण अब मैं बड़े वाले में निकालूंगी। तो हमने पूरी मिश्रण जो है दो बर्तन में ट्रांसफर कर ली हूँ, निकाल चुकी हूँ। तो इसको आपको ऐसे धीरे धीरे टैप कर देना है इसमें, ताकि बीच में जगह ना बना सके। ऐसे कर लेंगे तो आप ये अच्छा सा इसमें सेट हो जाएगा। ऐसे दोनों को आप धीरे धीरे कर लेना है। और अब इसको क्या करना है, हमें यही किचन में छोड़ देना है। ये अच्छे से अपने समय से ठंडा हो जाए, तब इसको हम चाहे फ्रिज में रख के 2 घंटे तब निकालेंगे, या तो निकाल लेंगे, लेकिन नॉर्मल पूरी तरह से अच्छा होना चाहिए। तो हमारी पुडिंग जो है नॉर्मल हो चुकी है। अब मैं इसे दिखाती हूँ कि देखिए कितना अच्छा हमारा एक कटोरी से छोड़ रहा है। चारों तरफ से ऐसे आप कर लीजिए ताकि हमें निकालने में कोई परेशानी ना हो। देखिए एकदम से छोड़ दे रहा है। अब इसे आप एक प्लेट ले लीजिए, प्लेट को ऐसे कर लीजिए और इसी पे हमें पलट देना है। अपने आप देखिए निकल गया। अब मैं इसको हटा देती हूँ। कितना अच्छा हमारा पुडिंग बनके तैयार है। और मैं एक छोटा जो बनाई हूँ इसको भी आपको मैं साइड में निकाल के दिखाती हूँ। थोड़ा सा टैप कर दीजिए, ये भी निकल गया आराम से। आप इसी तरह ऐसे छोटे छोटे कटोरियों में भी बना सकते हैं, नहीं तो इसको सब एक जगह डाल के एक बड़ा सा बनाइए। और जब इसको खाना हो, इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा ठंडा खाइए तो बहुत टेस्टी लगेगा। तो हमारा पुडिंग अच्छे से बन के खाने के लिए, एकदम सर्व करने के लिए तैयार है। और इसको आप एक बार ज़रूर बनाइए मेरे कहने से, इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और ये स्वीट भी अच्छी लगेगी। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।